राम राम भाई, सारा भाई है ना, मैं आपका भाई कुणाल यादव। आज अपने सामने खड़ी हुई है भाई ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी फ्रोंक सीएनजी में सिग्मा वेरिएंट है भाई। सबसे पहले तो आप चारों तरफ का वॉक अराउंड ले लो, ये देखो भाई, बिल्कुल जो बेस वेरिएंट है फ्रोंक्स का वो है ये गाड़ी। दो ही दिन पहले भाई ने जो है मनीष भाई ने इसकी डिलीवरी ली है, तो मनीष भाई को सबसे पहले तो भाई गाड़ी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये देखो भाई, यहाँ पे एनएक्स की बैजिंग है, बेस मॉडल में ही डिफोगर देखने को मिल जाता है, सीएनजी की बैजिंग यहाँ पे आ जाती है, शार्क फैन एंटीना, रूफ रेल्स। नीचे की तरफ देखो भाई, ये जो है कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिलती है, लेकिन बेस मॉडल में ये भाई पूरी ऑन नहीं होती है, साइड साइड की ऑन होती है। नीचे की तरफ भाई रिफ्लेक्टर, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। कैमरा बेस मॉडल में भाई ऑफकोर्स ही बात है इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये देखो भाई, इस साइड आ जाते हैं तो ये हो जाती है भाई गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल। अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के आगे की तरफ, तो सबसे पहले तो भाई लुक में पूरा पूरा चेंज कर रखा है। बोनट देखो, ये ऐसे यहाँ पे मतलब अलग डिजाइन में बना रखा है। लाइट्स की बात करते हैं तो ऊपर की तरफ भाई इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, पार्किंग लाइट देखने को मिल जाती है हैलोजन बल्ब में। उसके बाद नीचे मेन लाइट पे आते हैं तो ये देखो भाई हैलोजन प्रोजेक्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कोई भी इनके अंदर LED नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे भाई अपना टोचन करने के लिए मिल जाता है, जैसे यहाँ पे इमरजेंसी फंस जाओ तो यहाँ पे अपना वो कस के गाड़ी को टोचन करके निकाल सकते हो। यहाँ पे भाई आपको क्रोम देखने को मिल जाता है, बड़ा सा सुजुकी का लोगो, और जो ग्रिल है वो भाई यहाँ पे मैट ब्लैक मिलती है, पियानो ब्लैक की फिनिश यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। नीचे की तरफ आ जाओ तो ये देख लो भाई, ये जो है सिल्वर कलर में दे रखी है, तो ये भी देखने में मतलब गाड़ी के ऊपर काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखो भाई गाड़ी का फ्रंट कुल मिलाकर भाई अच्छा लगता है, कोई भी इसमें बुराई वाली बात नहीं है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, उसके बाद सबसे पहले तो एक बार वाइपर वगैरह देख लो, नॉर्मल वाइपर देखने को मिल जाते हैं, कोई यहाँ पे सेंसर वगैरह नहीं है। साइड मिरर ब्लैक है, डोर हैंडल ब्लैक है, जो ऊपर की रूफ रेल है ये भी ब्लैक में देखने को मिलती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि भाई बेस मॉडल है। और सबसे बड़ी बात, इंडिकेटर यहाँ पे जो है फेंडर में देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं भाई इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ में कोई कमी नहीं है भाई। ये देखो 195/60R 16 इंच के स्टील रिम देखने को मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ ये कवर देखने को मिल जाते हैं आपको। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भाई ओके है, कहीं भी गाड़ी टच नहीं होगी। तो एक भाई जैसे आप स्विफ्ट लोगे, बलेनो लोगे, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो थर्ड सेगमेंट में ये गाड़ी आती है, मतलब उनसे स्विफ्ट से दो ऊपर है, तो इसमें भाई ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत नहीं आती, गाड़ी ऊंची पड़ती है। और इसका जो शेप है वो कूपे टाइप में है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। बात करेंगे भाई इसकी गाड़ी की प्राइस की, कितने की पड़ रही है कितने की नहीं। तो ये देखो भाई, की में सबसे पहले शिकायत रहेगी बेस मॉडल में, मारुति को चेंज भाई करना चाहिए। ये चाबी कब तक वो देते रहेंगे भाई। तो गाड़ी कर देते हैं अनलॉक, ये लो भाई, शुरुआत करते हैं डोर पैनल से। चारों पावर विंडो और जो आपको इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाती है भाई, लॉक अनलॉक, शीशे लॉक करने के लिए, और जो साइड मिरर की एडजस्टमेंट है यहाँ पे भाई डंडी तक नहीं दे रखी, ये आपको मैनुअली बाहर हाथ से ही करने पड़ेंगे एडजस्ट। ये देखो ऐसे, ठीक है भाई। और भाई इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो है फैब्रिक देखने को मिल जाता है बेस मॉडल में ही, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बोतल होल्डर, थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख लोगे, और ये चीज़ें भाई बिल्कुल ब्लैंक है, कोई स्पीकर वगैरह, इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह इसमें देखने को नहीं मिलती। सीट की बात करते हैं तो हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती, फैब्रिक में सीट देखने को मिल जाती है, जिनका ये देखो भाई डिज़ाइन, ठीक है भाई। बाकी अभी मैंने इसका ड्राइविंग टेस्ट लिया था, तो ये जो चौड़ाई है ना गाड़ी की, चौड़ाई तो है लेकिन ये चीज़ें उठी हुई है, तो ये थोड़ी सी मतलब दिक्कत करती है, थोड़ी सी और चौड़ी हो सकती थी। जैसे हम भाई 6 फुट के हो गए अच्छे लंबे चौड़े, तो हमको थोड़ी सी लगती है ये चीज़ यहाँ पे चुभती है, तो ये थोड़ी सी और चौड़ी हो जाती। बाकी जैसे ओनर टाइम टू टाइम चलाते हैं ना, जैसे हम ही चलाएंगे तो ये फैल जाएगी भाई अपने आप ही। तो गाड़ी को भाई बंद कर लेते हैं, AC कर लेते हैं ऑन, क्योंकि गर्मी भाई बहुत ही ज़्यादा है। आहा भाई, अब अंदर आ गया, रात आई है, इतनी सी देर में ही 4 मिनट की वीडियो हुई है, पसीने आ गए भाई दुनिया भर के। ठीक है भाई, अंदर आ गए, शुरुआत कर लेते हैं भाई पहले मीटर से। तो मीटर देख लो भाई गाड़ी का, पेट्रोल और CNG, CNG में स्विच हो चुकी है। ये देखो दोनों साइड अपने यहाँ पे पेट्रोल की मार्गे हैं, पेट्रोल फुल है, CNG के दो डंडे अभी बचे हुए हैं। गाड़ी देखो मात्र और मात्र 268 किलोमीटर चली है भाई, 220 की इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। यहाँ से अगर एडजस्ट करेंगे तो ये देखो एवरेज दिखाएगी, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही शो करेगी रेंज और किलोमीटर पर लीटर एवरेज, CNG में ये शो नहीं करेगी। इस साइड आते हैं तो ये अपना भाई ओडोमीटर, ये अपना ए और बी ट्रिप मीटर आ जाता है। बाकी फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं है भाई बेस मॉडल में, ठीक है। टॉप मॉडल में जाओगे तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, डायरेक्शन वगैरह,
डिजिटली वो टॉर्क और पावर दिखाने लग जाती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो बेस मॉडल है तो भाई टिल्ट ही देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक यहाँ पे नहीं है। हॉर्न मैं आपको इसका सुना देता हूँ, ये देखो भाई ये इसका हॉर्न देखने को मिल जाते हैं। बाकी 23 साइड तो ट्रैक्शन कंट्रोल बेस मॉडल से मिल रहा है। नीचे की तरफ भाई पेट्रोल और सीएनजी मतलब स्विच करने के लिए यहाँ पे स्विच है। और नीचे आते तो एक ये भाई पॉकेट है जो कि भाई यूजफुल रहती है ये छोटी छोटी चीज़ें। नीचे की तरफ ये भाई बोनेट खोलने के लिए है और फ्यूल लीड खोलने के लिए, ठीक है भाई। यहाँ का जो सिस्टम रहता है उठाने वाला वो ख़त्म कर दिया है, वो यहाँ पे दे दिया है। बाकी ये इसके भाई पेडल हो गए। क्लच की बात करते हैं तो भाई काफ़ी लाइट क्लच है। सिटी में जैसे मैं अब ड्राइव करके आया हूँ भाई, ट्रैफिक में भी ड्राइव करी है गाड़ी, तो मज़ा आया चलाने में। ये नहीं लगा कि भाई मतलब अजीब सा लग रहा हो, ऑटोमेटिक होनी चाहिए थी। क्लच अगर हार्ड होती तो कहीं ना कहीं सिटी में चलाने में दिक्कत आती है भाई गाड़ी में। ऊपर की तरफ यहाँ पे टिकट होल्डर भाई कोई भी नहीं है, इस साइड भी बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है भाई। दो एयरबैग गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं भाई, ड्राइवर और पैसेंजर। बाकी ये बिल्कुल खाली है, एसी वेंट्स होगा। यहाँ पे कार्बन की एसी फिनिश दे रखी है, ये सिल्वर फिनिश दे रखी है बेस मॉडल से ही। तीन चार कलर है भाई कॉम्बिनेशन का इसमें यूज कर रखा है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, और फिर ऊपर ब्लैक। नीचे की तरफ भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है, जो कि सब सारी गाड़ियों में दे रहे हैं भाई बेस मॉडल से ही, सेम यूनिट। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 कप होल्डर। इस साइड आते हैं तो भाई ग्लव बॉक्स, और मारुति ने भाई ये केदारनाथ जी का इसमें मंदिर दिया है, जो कि थोड़े दिन बाद डैशबोर्ड पे लग जाएगा, ठीक है भाई। एसेसरी में वो दिया था। बाकी 5 स्पीड का भाई गियर बॉक्स है। इंजन की बात करते हैं तो 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। पावर जनरेट करता है भाई 76 के आसपास बीएचपी और 98 के आसपास टॉर्क सीएनजी में। अगर प्योर पेट्रोल में लोगे तो पावर आपको मिलेगी ज़्यादा, तो सीएनजी भाई पेट्रोल कम ही देती है कंपनियाँ, ताकि एवरेज जो है गाड़ी अच्छी दे। उसके बाद भाई कोई भी हैंडरेस्ट नहीं है, ये पता नहीं भाई किस लिए कैसा क्या डिज़ाइन दिया है। थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख लोगे, यहाँ रख लोगे, बाकी ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। और टेम्परेचर देखो भाई 46 डिग्री हो रखा है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही है कैसी नहीं। अपने हिसाब से मैंने फ़िलहाल ये जो है एडजस्ट कर ली है, तो मेरी हाइट है भाई पूरी पूरी मतलब 6 फुट की हाइट है। और वेट की बात करते हैं, 96 केजी का मेरा वेट है। फिलहाल मैं अच्छे तरीके से बैठा हूँ, हेडरेस्ट भी इसके एडजस्टेबल है दोनों, आगे की तरफ ये नहीं है कि भाई फिक्स दे रखे। तो अब पीछे चल के देखते हैं कैसा क्या गाड़ी में स्पेस है, और मेन बात रहेगी हेडरूम की, क्योंकि गाड़ी की जो शेप है कूपे टाइप में है। तो अब पीछे चल के एक बार हेडरूम वगैरह और स्पेस वगैरह देखते हैं कैसा है। तो भाई आ चुका हूँ मैं गाड़ी के पीछे। सबसे पहले तो साइड की बात करते हैं डोर पैनल की, तो बोतल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है भाई पीछे की तरफ भी। इलेक्ट्रॉनिक पावर विंडो देखने को मिल जाती है, कोई भी मैनुअल वाला सिस्टम नहीं है कि भाई बेस मॉडल है तो मैनुअल दे दी, वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर रखा है। लेग रूम की बात करते हैं, नी रूम की बात करते हैं, तो वो काफ़ी ठीक है भाई गाड़ी में। थोड़ा सा अंडर थाई स्पॉट जो ये चीज़ है ये थोड़ी सी और लंबी हो जाती, तो यहाँ पर और कम्फर्ट आ जाता भाई, 6 फुट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। हेडरूम की बात करते हैं, अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठा हूँ, तो पीछे करूँगा ना भाई मैं सिर, तो ये देखो यहाँ पर जो है दिक्कत आती है। अब मैं ऐसे आगे होकर बैठूंगा जब कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे होकर बैठने में भाई कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर हम तीन जने भी मान लो लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं एडल्ट, तो भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली। पीछे से कुछ ऐसा मैं लगता है भाई इसका डैशबोर्ड, जो कि कुल मिला के भाई देखो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। और नीचे की तरफ आते तो एसी वेंट पीछे नहीं मिलते। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और 2 पॉकेट मिल जाती है, अपना फ़ोन वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको चार्ज करना है वो यहाँ पे आप रख सको। अच्छी बात क्या लगी भाई, तीनों तो सीट बेल्ट, तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। ये देखो बीच वाला भी दे रखा है, ये थोड़ा छोटा है। बाकी पीछे की तरफ भाई और कुछ खास नहीं है, यहाँ पे जो आपको रीडिंग लैंप देखने को मिल जाता है बीच में। अब चलते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ कि सीएनजी में कितना बचता है। अभी देखना भाई इसकी ब्रेक लाइट, एक बार लाइट ऑन करना एक बार भाई। ये देखो भाई ये इसकी एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है। अब दिखाता हूँ बूट स्पेस, ये देखो भाई ये इसका सीएनजी टैंक है। एवरेज की बात करते हैं तो कंपनी 28 की क्लेम करती है, अगर आप खूब खींच के भी लेओगे भाई, मेरा मानना है हाईवे पर 28 की तो देगी ही देगी, और सिटी में जो है 24-25 की आराम से गाड़ी निकाल देगी बिना किसी परेशानी के। ये अपना स्पेयर टायर हो गया, ऐसे एक कवर आता है भाई, और ये गाड़ी का कवर है भाई जो कि शायद एसेसरी में दिया हो, बाकी पता नहीं भाई ने परचेज किया हो। पीछे कोई भी इसमें बेस मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं मिलती, बाकी स्पेस लेना ही पड़ता है ना, लेना ही पड़ता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप पार्सल ट्रे नहीं रखोगे तो काफी ज्यादा सामान आप इसमें जचा पाओगे लूज करके। आफ्टर मार्केट इसकी छोटी पार्सल ट्रे भी बनती है जो लकड़ी की बनती है, लकड़ी की बनती है।
जाती है और वो फोल्ड हो जाती है, उसमें जैसे ये टायर निकालना हो तो इतना स्पेस छोड़ देंगे। हाँ हाँ, उसके बाद हो जाती है वो, हो जाती है भाई वो सारी चीजें। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसको जो है हम बंद कर देते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसका इंजन कंपार्टमेंट। ये देखो भाई, यहाँ से मैंने बताया था बोनेट ओपन हो जाता है। अब देखना भाई, मेन चीज मारुति कामयाब कर मतलब आगे बढ़ रही है, वो बढ़ रही है भाई रिफाइनमेंट में। एक बार ये लगा देना भाई, बोनेट काफी गर्म हो चुका है। ये है भाई इसका 1.2 लीटर फोर सिलेंडर इंजन। मारुति ने अब जो भाई शिफ्ट दिया उसमें थ्री सिलेंडर कर दिया, उसका मतलब क्या ही मतलब बढ़ना था आपका। इतना रिफाइंड इंजन पहले से था तो उसमें वो ही करना था। बाकी आपकी क्या राय है उस बारे में वो आप कमेंट करके बताओ। एसी ऑन है, आवाज सुन लो भाई गाड़ी की। और ये जो वाइफर की है ये देखो भाई कितनी लंबी वो दे रखी है, कर दो भाई बंद। ऊपर की तरफ पैडिंग भी दे रखी है इंसुलेशन के लिए, तो ये कुछ नॉइज आती है भाई एसी ऑन में। अब करते हैं भाई गाड़ी की प्राइसिंग की बात। तो ये जो है अपने गुड़गांव हरियाणा में भाई अभी दो ही दिन पहले गाड़ी ली है, ये हमको पड़ी है 836,500 के आसपास जो कि मैंने अभी उसमें देखी है। अब उसमें ये पता नहीं भाई इंश्योरेंस वगैरह इंक्लूड है या नहीं है, लेकिन मैंने बिल इसका चेक किया था भाई हमारे पास है नहीं तो हम गाड़ी लेके आए, तो उसमें 836,500 की बिलिंग हो रही है। उसमें पता नहीं भाई रोड टैक्स इंश्योरेंस इंक्लूडेड है या नहीं है। तो पूरी पूरी वीडियो भाई पूरा रिव्यू मैंने दे दिया है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखना अपने चैनल पे वो अपलोडेड है, वो आप चेक कर सकते हो जाके। कैसी लगी भाई ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।